Hello and welcome, dear students. Now you can see a very typical circuit on your screen. This is NPN transistor, a resistance connected in the collector terminal. Emitter mein RE resistance connected hai aur RS and the source of signal. The place of output is from here. VO यहां से निकाला है. इन द अर्लियर प्रॉब्लम VO यहां से लिया था. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये कोई फीडबैक वाला एम्पलीफायर है, इसमें फीडबैक है या नहीं है, और अगर है तो किस प्रकार का फीडबैक है. तो एक चीज तो स्पष्ट है कि सर्किट में फीडबैक तो है, और जो फीडबैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो एलिमेंट वो RE. सो RE इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडबैक. अब सवाल ये है कि फीडबैक कौन से प्रकार का है, इट फॉल्स इनटू विच कैटेगरी, किस कैटेगरी में, किस टोपोलॉजी में हम इसका वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे. अब एक थंब रूल मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपसे पहले भी कहा है, देयर इज अ थंब रूल. अगर आपने जहां से आउटपुट लिया है इमीडिएटली वहां से फीडबैक शुरू नहीं होता, देन द टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज करंट सैम्पलिंग. ये आमतौर पर करंट सैम्पलिंग का एग्जाम्पल होता है. तो प्राइमा फेसी बाय फर्स्ट साइट और इम्प्रेशन इट सीम्स दैट कि इसमें जो सैम्पलिंग हो रही है वो करंट वाली हो रही है. So current sampling is happening here. Secondly, मिलावट या mixing किस प्रकार की है. तो mixing को अगर आप देखोगे तो input side पे focus करना पड़ेगा. साफ दिखता है कि इसके जरिए feedback हो रहा है और ये shunt में नहीं है RS के साथ, तो यहां पर series mixing होना चाहिए. तो prima facie प्रथम दृष्टिया पहली नजर में जो समझ में आता है वो ये आता है कि सैम्पलिंग करंट वाली होना चाहिए बाय थंब रूल, और मिक्सिंग सीरीज वाली होना चाहिए. यानी ये एक एग्जांपल है करंट सीरीज टोपोलॉजी का. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ करंट सीरीज टोपोलॉजी. लेट मी रिमाइंड यू, जब हम करंट सीरीज टोपोलॉजी की बात करेंगे तो हमारे लिए जो वर्किंग सब्सटेंस है या जो गेन है जिसके बारे में हम बॉदर्ड फील करेंगे वो है जीएम, ट्रांस कंडक्टेंस गेन, विच हैज बीन डिफाइंड एज आईओ अपॉन वीएस. आरएस हैज बीन सपोज टू बी पार्ट ऑफ द एम्पलीफायर. आरएस को अब वीएस का पार्ट मानने के बजाय एम्पलीफायर का पार्ट मानने का हमने एक नया चलन शुरू करा इस चैप्टर के अंदर. तो जीएम, जी कैपिटल एम, आयो अपॉन वीएस होना चाहिए. आयो कहां फ्लो होगा? आयो इज द सोर्स ऑफ सिग्नल या सिग्नल करंट जो कि आरएस में से जाएगा बाहर की तरफ. सो दिस इज अ टिपिकल सिचुएशन. करंट सीरीज टोपोलॉजी को हमने आइडेंटिफाई किया है. इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट ये है कि अगर आपने गलत आइडेंटिफिकेशन कर लिया, यानी बीटा की वैल्यू गलत डायग्नोसिस से निकाली, तो आपका बीटा आरएल या आरएस पे डिपेंडेंट हो जाएगा. और अगर आपने सही एजम्पशन किया है या आपकी रीडिंग करेक्ट है तो आपका बीटा आरएल और आरएस से इंडिपेंडेंट आएगा. सो द टाइम विल टेल यू कि यहां से हम बीटा कैसे निकालते हैं. बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि जो वीएफ है वो इसके अक्रॉस आ रहा है. वीएफ इज कमिंग अक्रॉस दिस और वो इसके साथ सीरीज में मिक्स हो रहा है, और आयो को हमने सैंपल किया है. स्पष्ट है, क्लियर है कि बीटा की वैल्यू हो जाएगी वीएफ डिवाइडेड बाय आयो. सो वीएफ अपॉन आयो की वैल्यू निकालने के लिए वी हैव टू लुक फॉरवर्ड, हमको आगे की तरफ देखना है. अब सबसे पहली प्रोसेस क्या है? आप जानते हैं कि जब भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहला काम हमको यह करना होता है कि जो डीसी सोर्सेज है उसको एलिमिनेट कर दीजिए ताकि सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट बन जाए, यानी सिग्नल को फोकस करने वाला सर्किट बन जाए. उसके बाद जो फीडबैक है
उसको हमको टर्मिनेट करना है, खत्म करना है, मिटाना है। लेकिन फीडबैक को ख़त्म करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि उसकी जो लोडिंग इफेक्ट है उसके प्रभाव को नकारना नहीं है बल्कि उसको प्रिजर्व करना है। सो कीपिंग दिस इन माइंड हम प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। आपको मैंने सारी बातें बताई है कि सैम्पलिंग को कैसे नलीफाई करते हैं और करंट सैम्पलिंग को कैसे नलीफाई करेंगे, वोल्टेज सैम्पलिंग को कैसे नलीफाई करेंगे, मिक्सिंग को ख़त्म करने का तरीका क्या है, खासतौर पर सीरीज या शंट मिक्सिंग को। सो यू कैन रिफर टू माई अर्लियर क्लासेस एंड गेट प्रिपेयर्ड। तो चलिए अब पहले इसको सोर्स ऑफ सिग्नल के अनुसार बना लेते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि हम VCC को शॉर्ट कर देंगे ग्राउंड के साथ। अगर हम VCC को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे सो दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस एंड दिस RC विल प्ले द रोल ऑफ लोड और VS को आप चाहो तो यहां पर और अच्छे से दिखाने के लिए एक सोर्स ऑफ सिग्नल के रूप में यहां कनेक्ट कर दीजिए। और मेरी सलाह है आपको कि थोड़ी देर के लिए ग्राउंड नाम का रेफरेंस हटा दीजिए। ग्राउंड को रेफरेंस से हटा देने से मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए हमने यूज करा है। प्रैक्टिकली फर्क पड़ता है लेकिन अभी फिलहाल हमको प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अभी इसका एनालिसिस कर रहे हैं मैथमेटिकल मॉडल्स के द्वारा। तो ये सर्किट बन गया आपका सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट। करना क्या है, आइडेंटिफाई करना है टोपोलॉजी कौन सी है। आइडेंटिफाई हो चुका है करंट सीरीज टोपोलॉजी है। अगर करंट सीरीज टोपोलॉजी है तो अगली प्रोसेस क्या है, अगली स्टेप क्या है। अगली स्टेप ये है कि पहले सैम्पलिंग को खत्म करेंगे और इनपुट को देखेंगे इनपुट सर्किट कैसा दिखाई देता है और फिर मिक्सिंग को खत्म करेंगे और आउटपुट सर्किट को ड्रॉ करेंगे और इन दोनों सर्किट को मर्ज कर देंगे एक दूसरे के साथ। मर्ज करने से जो सर्किट प्राप्त होगा, हासिल होगा, वो हमारा बेसिक एम्पलीफायर होगा। चलिए तो सबसे पहले करंट सैम्पलिंग को खत्म करना है। करंट सैम्पलिंग करने खत्म करने का तरीका हमने ये बताया था कि आउटपुट लूप को ब्रेक ओपन करना पड़ेगा आप, क्योंकि करंट को खत्म करने का एक ही तरीका होता है कि जिस वायर में वो फ्लो हो रहा है उसको आप काट दीजिए। लेकिन लूप को काटने के अनेक स्थान हो सकते हैं। जो मोस्ट एप्रोप्रिएट स्थान होता है वो ये होता है कि जिससे इनपुट पे इफेक्ट डायरेक्ट दिखाई ना दे, यानी उस कटिंग का इफेक्ट इनपुट सर्किट पर डायरेक्टली नहीं पड़ना चाहिए। यानी अगर कोई बोले कि चलो आउटपुट करंट यहाँ पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है तो मैं यहां से काट दूं इसको, आप यहां से काटेंगे तो ये गलत हो जाएगा। रीजन ये है कि इनपुट भी अफेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज नॉट द राइट प्लेस, ये करेक्ट जगह नहीं है। फिर करेक्ट जगह ये हो सकती है, आप यहां से काट दीजिए। सो जैसे आप यहां से आयो को जीरो करेंगे इस जगह से काट के, तो अब आयो की मिलावट यहां पे खत्म हो गई। इनपुट पे आपको रिलेटिवली क्या दिखाई दे रहा है, रिलेटिवली वीएस दिखाई दे रहा है, आरएस दिखाई दे रहा है, बेस इमिटर जंक्शन दिखाई दे रहा है और आरई दिखाई दे रहा है और एक खास तरीके से ये आपस में कनेक्टेड है। तो मैं इस चीज को अपने माइंड में रख लेता हूं कि इनपुट सर्किट में आरएस, बी टू ई और आरई कनेक्टेड है, राइट। अब पहले एक बार इस सर्किट को कहीं बनाकर छोड़ देते हैं और दूसरा सर्किट फिर बना लेते हैं। तो आप अपनी कॉपी में इस सर्किट को पार्ट वन करके अलग कर दीजिए, बाद में वन और टू को हम मर्ज करेंगे एक दूसरे के साथ, ओवरलैप करेंगे इनपुट और आउटपुट को। अब वापस से हम इसको ओरिजिनल सर्किट बना देते हैं क्योंकि अभी हमको आउटपुट सर्किट रिड्रॉ करना है। तो हमको यह देखना होगा मिक्सिंग कौन सी है। मिक्सिंग है सीरीज मिक्सिंग। सीरीज मिक्सिंग इज सुटेबल फॉर वोल्टेज, यानी वोल्टेज की मिलावट हो रही है। जैसे बैटरी सीरीज में मिलाई जाती है, हम यहां सीरीज मिक्सिंग कर रहे हैं। तो सीरीज मिक्सिंग को नलीफाई करने के लिए क्या तरीका होता है, आप जानते हैं, इनपुट लूप को ओपन किया जाता है। इनपुट लूप को ओपन करने का जो मोस्ट एप्रोप्रिएट स्थान है वो ये है, यहां से खत्म कर दीजिए। अब फिर से आरई कनेक्टेड हो गया आउटपुट के अंदर। आउटपुट में क्या क्या दिखता है, आयो दिखता है, आरई में से जाता है और आरसी में जाता है। तो आरई और आरसी एक दूसरे के सीरीज में कनेक्टेड है, कलेक्टर और इमिटर सर्किट में कनेक्टेड है। आरई डबल रोल प्ले कर रहा है, वो इनपुट सर्किट पे भी आता है, आउटपुट सर्किट पे भी आता है, लेकिन हमको उसको कॉमन प्लेस से हटाकर अलूफ करना है, सेग्रीगेट करना है। तो अब देखिए, अगर मैं इसको पार्ट टू बोल दूं तो पार्ट वन और पार्ट टू को अगर मैं ऐसे बनाऊं रिलेटिवली तो क्या फर्क पड़ेगा।
लेट अस सी। अगर सेम सर्किट को पार्ट वन और टू को मैं ऐसे बना दूं ताकि आसानी हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, तो कैसे कर सकते हैं? अगेन आर एस, देन बेस इमिटर, यहां मैं जान करके कुछ कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, आर ई को मैंने ट्रांसफर कर दिया थोड़ा सा पीछे और वी एस को यहां कनेक्ट कर दिया। ये मेरा वी एस प्लस टू माइनस बोल लीजिए चाहे तो, जस्ट फॉर रेफरेंस, ये हमारा आर ई और ये हमारा आर एस, ये इनपुट सर्किट वो बन गया जो हमने पार्ट वन में बनाया था। ऑफ कोर्स डोंट से दैट कि सर आपने यहां से हटा के यहां क्यों लगा दिया, जस्ट फॉर सेफ्टी, कारण यहां लगा रहेगा तो उसका आउटपुट में एक्सपोज होने का खतरा है, तो इनपुट और आउटपुट को आपस में मिलने नहीं देना है, इसलिए हमने इसको ट्रांसफर करके रिलेटिवली यहां कनेक्ट कर दिया। तो इनपुट सर्किट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं आरी को यहां से हटाकर यहां लगा दूं तो। आउटपुट सर्किट को देखूं अगर, तो आउटपुट सर्किट में हमारे पास आरसी है यहां कनेक्टेड है और उसके बाद आरी, आरी को भी हमने आप देखिए जो यहां कनेक्टेड था यहां उठाकर ले आए, यहां पर आरी में वीएफ यहां से प्लस माइनस था तो अब प्लस माइनस वीएफ यहां हो जाएगा क्योंकि हमने उसको उठाकर खींचकर वहां कनेक्ट किया है, ऐसा कैसा खींचकर इधर लगा दिया। वीओ कहां है? वीओ यहां है, इसके रिस्पेक्ट में प्लस टू माइनस, यहां ग्राउंड होता था किसी जमाने में रेफरेंस, चाहो तो अभी भी लगा दो डजंट मैटर आप चाहें तो, अगर आपको रेफरेंस देना है तो। आयो कहां फ्लो हो रहा है? आयो यहां फ्लो हो रहा है। सो दिस बिकम्स योर नेटिव सर्किट और रॉ सर्किट जिसमें हमने बेसिक एम्पलीफायर बनाया है, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर बनाया है जिसमें से फीडबैक को हमने एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन उसके प्रभाव को हमने या लोडिंग इफेक्ट को हमने अभी तक यहां से हटाया नहीं। इतना आप देख लीजिए, अब हमारी प्रोसेस आगे चालू होने वाली है। लेट मी रिमाइंड यू कि जब भी हम फीडबैक के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारी मेथड क्या होती है, सबसे पहले बीटा निकालते हैं। तो बीटा एज यू ऑल नो इज वी एफ अपॉन आयो, आयो यहां से जाएगा ऊपर से नीचे जा रहा है, तो अगर हम इधर से वी एफ और आयो का रिलेशन देखें आरी के अक्रॉस, आरी के अक्रॉस जो वोल्टेज आता है वो वी एफ के रूप में, लेकिन पोलैरिटी उल्टी है, तो हम कह सकते हैं वी एफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू माइनस ऑफ आयो आरी। आई होप नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट द निगेटिव वैल्यू। माइनस क्यों आया? क्योंकि हमारी पोलैरिटी उल्टी हो रही है, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो आयो हमने बाहर की तरफ लिया है और वी एफ जो सांकेतिक रूप से है वो प्लस टू माइनस इस तरह से है, तो दोनों में कंप्रोमाइज कराने के लिए, निगोशिएट कराने के लिए एक माइनस डालना पड़ेगा। सो डोंट राइट वी एफ इक्वल टू आयो आर ई बिकॉज वी एफ इज इन अपोजिशन विद द फ्लो ऑफ आयो। साफ दिखता है बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहां से, अगर वी एफ अपॉन आयो कर दिया तो माइनस आर ई के बराबर, माइनस से घबराने की जरूरत नहीं है, दैट विल टेक केयर ऑफ निगेटिव फीडबैक। आर ई लोड नहीं है, अगर लोड नहीं है तो हमारी पहली कसम पूरी हो जाती है कि हमारा जो बीटा है वो आर एल और आर एस से स्वतंत्र होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका एक दूसरे पे कोई निर्भरता नहीं होना चाहिए। तो बीटा को आप कहीं ना कहीं लिखकर साइड में अपनी कॉपी में रख दीजिए, बीटा की वैल्यू माइनस आर ई है, बीटा की वैल्यू वन से बड़ी भी हो सकती है, छोटी हो सकती है, ये कोई लिमिटेशंस नहीं होते। तो बीटा की वैल्यू आपके सामने रख दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमको सबसे पहले इसका जीएम निकालना है संभव, और जीएम निकालने के लिए हमको कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगी। पहली बात, आर आई कहां से देखेंगे? आर आई वी एस के जस्ट बाद देखेंगे, और आर ओ कहां से देखेंगे? जब आर सी यहां से हटेगा तो यहां से झांक कर जब हम देखेंगे तो आर ओ दिखाई पड़ेगा। एक और आपको बात याद दिला दें, इस चैप्टर में विशेष तौर पर हम सिंप्लीफाइड कॉमन इमिटर मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारी मेहनत बहुत कुछ कम हो गई है। रीजन ये है कि सिंप्लीफाइड मॉडल एक ही मॉडल होता है, चाहे सर्किट कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, हम उसमें सिंप्लीफाइड कॉमन इमिटर मॉडल यूज करते हैं। सिर्फ दो पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं, एच एफ ई का और एच एफ ई का इस्तेमाल करते हैं और एच आई ई का इस्तेमाल करते हैं। एच आई ई बेस और इमिटर के बीच में कनेक्ट होता है
और आपका HFEI भी कलेक्टर और बेस के बीच में कनेक्टेड होता है। आप चाहें तो सर्किट को मुकम्मल कर लीजिए, आप सर्किट को ऐसे भी बना सकते हैं। यहां पर आपका बेस था, यहां पे आपका कलेक्टर था, ये एमिटर है। इसको आप चाहो तो VI कॉल कर दो इस वोल्टेज को, कोई दिक्कत नहीं है। RE को दो बार बनाना पड़ा ताकि हम इन दोनों सर्किट को अलूफ कर सकें और RE का प्रभाव भी मेंटेन कर सकें, लोडिंग फैक्ट भी प्रिजर्व कर सकें। तो जो HIE है वो कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, वो बेस और इमीटर में कनेक्ट हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये HIE आपका कनेक्ट हो गया। फिर बेस और कलेक्टर में क्या होगा, बेस और कलेक्टर में एक डिपेंडेंट करंट सोर्स कनेक्ट हो जाएगा HFE IB के रूप में। IB कौन है, IB यहां से जाने वाला करंट है या इस लूप में फ्लो होने वाला करंट है, IB। IB यहां है। आप देख सकते हैं कि आपका HFE IB, एक गलती हो गई है, ये जो HFE है, HFE IB वो कलेक्टर इमिटर के बीच में होगा, सो इट विल बी हियर बिकॉज दिस इज इमिटर लीड एंड दिस इज कलेक्टर लीड एंड दिस इज बेस। सो HFE IB यहां कनेक्ट हो जाएगा, IB यहां फ्लो होगा और IO यहां फ्लो होगा। तो IO की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस ऑफ HFE IB। सो टू से ये भी एक तरह का हमारे पास रिलेशन आ गया। क्यों हुआ ये, आयो बाहर लिया लोड करंट और HFE IB उल्टा है, जिस सर्किट में डिपेंडेंट करंट सोर्स होता है वो डोमिनेट करता है। तो HFE IB विल गवर्न विल कंट्रोल द वैल्यू ऑफ द करंट इन दिस सर्किट। तो न्यूमेरिकली वैल्यू हो जाएगी आयो इक्वल टू माइनस HFE IB। चलिए VF आपने निकाल लिया ऑलरेडी IO RE के बराबर। अब हम चाहें तो GM डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और इनडायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो G कैपिटल M की जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकली डिफाइंड है IO डिवाइडेड बाय VS, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय अल्टीमेट इनपुट करंट। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, VS को हाउ कैन यू राइट VS, अगर यहां पर आप KVL लगा दें, लिखिए कॉपी में अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन इनपुट लूप, यू गेट VS इक्वल टू IBRS प्लस HI इंटू IB। या आप चाहो तो लिख दो IB इंटू ब्रैकेट RS प्लस HI, वन एंड द सेम थिंग। अगर आपने ऐसा लिख दिया, व्हेन यू राइट लाइक दिस, अब यहां पे VS की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये वैल्यू यहां रख दीजिए उठा के, तो आ जाएगा IB इंटू ब्रैकेट RS प्लस HI। IO अपॉन IB की वैल्यू यहां से आ जाएगी, IO अपॉन IB इट कैन बी रिटन एज माइनस HFE होल अपॉन RS प्लस HI। ये आपकी जी कैपिटल एम की वैल्यू आपको मिल गई, जी कैपिटल एम की वैल्यू आपको मिल गई। चलिए अब क्या आपको RI दिखाई पड़ता है, यहां पर अगर आप RI देखेंगे तो RI की वैल्यू न्यूमेरिकली है अप्लाइड VS डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, क्योंकि RI हमने अब की बार RS के इधर शिफ्ट कर दिया है। हाँ, दिस इज समथिंग अदर देन जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ से तो RI की वैल्यू आ जाएगी, हाँ गलती हो गई यार, पिछले वाले में हमने RS प्लस HI प्लस RE लेना चाहिए था। तो यहां पर जो मैंने आपके सामने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखा था वो लिखा था VS इक्वल टू IB इंटू ब्रैकेट RS प्लस HIE प्लस RE टू बी मोर प्रिसाइज। तो
तो यहां पर एक टर्म और आएगी प्लस आर ई, तो यहां पर भी एक टर्म और आएगी प्लस आर ई बिकॉज ऑफ दिस। ये हमारी आंखों से ओझल हो गया इसलिए आया नहीं था। चलिए अब बता दीजिए आर आई की वैल्यू हो जाएगी फ्रॉम दिस लॉजिक आर एस प्लस एच आई ई प्लस आर। अब कोई इशू नहीं है, आर आई आ गया, जी कैपिटल एम आ गया, बीटा निकाल सकते हैं क्या? यस, क्योंकि ये करंट सीरीज टोपोलॉजी है, तो करंट सीरीज टोपोलॉजी के लिए डी होता है वन प्लस जी कैपिटल एम बीटा। तो वन प्लस जी कैपिटल एम की वैल्यू आ जाएगी हाँ माइनस एच एफ अपॉन आर एस प्लस एच आई प्लस आर ई, और बीटा की वैल्यू है माइनस आर ई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो डी की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस एच एफ आर ई हाँ अपॉन आर एस प्लस एच आई ई प्लस आर ई। आप चाहो तो एलसीएम वगैरह लेकर इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो आर एस प्लस एच आई यहाँ आ जाएगा, फिर आर ई कॉमन लेंगे तो एक वन प्लस एच एफ की टर्म आएगी, एक एच आई की टर्म आएगी और एक आर एस की टर्म आएगी, और होल अपॉन आएगा आर एस प्लस एच आई प्लस आर ई। छोटू से एक बार कैपिटल डी आ गया राइट, कैपिटल डी आ गया तो सारी वैल्यूज एक एक करके प्रेसिपिटेट कर जाएगी। चलिए बताइए आप अपने टेबल्स को देख लीजिए, मैंने एक टेबल बना के भी आपको दिया है कि जब करंट सीरीज टोपोलॉजी होती है तो जीएमएफ हो जाएगा रॉ वैल्यू ऑफ जीएम डिवाइडेड बाय डी। आप देख लीजिए मेरे लेक्चर में मैंने जीएम की वैल्यू भी निकाल कर दे दी है, डी की वैल्यू भी आपको दे दी है। नाउ दिस इज अप टू यू, अब वैल्यूज रखेंगे जीएम और डी की और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यू डोंट हैव टू क्रैम इट, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। तो आप इसको कर लीजिए, वैल्यूज रख दीजिए, एग्जाम में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हो करेक्ट अप टू थ्री प्लेसेस। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल सिंबॉलिक वैल्यू, हम इसकी मेथड को समझ रहे हैं बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो जीएमएफ निकाल लीजिएगा, आरआईएफ कितना होगा? आई नो दैट सीरीज मिक्सिंग हो रही है तो सीरीज मिक्सिंग में हमेशा आरआई इंटू डी होता है, सीरीज मिक्सिंग में हमेशा आरआई इंटू डी होता है। एंड लास्टली आर ओ एफ का क्या होगा? तो याद रखिए आर ओ एफ जो होगा वो होगा आर ओ इंटू वन प्लस जी स्मॉल एम बीटा। मैं इसको डी नहीं लिख सकता हूं कारण जी कैपिटल एम होता तो डी लिख सकते थे। तो आर ओ एफ यहां क्या होगा? जिन लोगों को सर्किट एनालिसिस आता है वो सब जानते हैं कि अगर मैं आर सी को हटाकर यहां से झांक कर देखूंगा आर ओ निकालने के लिए तो अल्टीमेटली इनपुट को जब मैं शॉर्ट करूंगा तो आई बी जीरो हो जाएगा, और आई बी जीरो हो गया तो ये करंट सोर्स जीरो एम्पियर का हो जाएगा। तो कितना भी बड़ा हम सोर्स यहां लगा दें वो करंट नहीं भेज पाएगा, मतलब ये हुआ कि आर ओ विल टेंड टू बिकम इन्फिनिटी। आर ओ इन्फिनिटी आ गया तो आर ओ एफ निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम आर ओ डैश निकालते हैं। आर ओ डैश की जो यहां वैल्यू होगी वो सिंपली इन्फिनिटी इन पैरेलल विथ आर सी होगी, यानी आर सी अकेला आर ओ डैश के बराबर आ जाएगा। एक बार आर ओ डैश आ गया तो आर ओ डैश का फॉर्मूला आपने देख रखा है, हमने डिराइव किया है पिछले चैप्टर्स में या पिछले लेक्चर्स में, तो हो जाएगा आर ओ डैश वन प्लस जी छोटा एम बीटा अपॉन कैपिटल डी। ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब प्रॉब्लम यह है कि जी कैपिटल एम तो हमने यहां से निकाल लिया, जी स्मॉल एम कहां से मिलेगा? तो उसके लिए आपको फिर से इसकी बेसिक डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। याद करिए हमारे स्टार्टिंग लेक्चर्स इस चैप्टर में, तब मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी कि जी स्मॉल एम इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ जी कैपिटल एम। कब? व्हेन आरएल टेंड्स टू जीरो। जब आरएल की वैल्यू जीरो की तरफ जाती है, और इस प्रॉब्लम में आरएल जो है वो हमारा आरसी है, तो जब आरएल की वैल्यू जीरो की तरफ जाती है तब जी कैपिटल एम कन्वर्ट हो जाता है जी स्मॉल एम में, उसकी एक्सट्रीम वैल्यू में। आप जाके देख लिए, देखिए पीछे स्क्रॉल करके, जी कैपिटल एम
आरसी का इंडिपेंडेंट आया है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, अगर इंडिपेंडेंट आया है तो इस सिचुएशन में बाय द वे जी स्मॉल एम और जी कैपिटल एम बराबर आ जाएगा, अगर बराबर आ जाएगा तो ये कट जाएगा, तो आर ओ एफ डैश हमारा पूरा का पूरा आर ओ डैश यानी आर सी के बराबर आ जाएगा। सो अल्टीमेटली हमने जी एम एफ निकाल लिया, हमने आर आई एफ निकाल लिया, आर ओ एफ डैश निकाल लिया, आर ओ एफ निकालने की चेष्टा नहीं करी, रीजन ये था कि आर ओ स्वयं इन्फिनिटी है इसलिए उसकी बात करने की कोशिश नहीं करी। अब एक असाइनमेंट आपके लिए बहुत अच्छा तैयार हो सकता है कि अगर मैंने इतनी सारी चीजें यहां से निकाली तो सेम प्रॉब्लम में अगर कोई मुझसे ए आई एफ मांगता, ए वी एफ मांगता, आर एम एफ मांगता तो मैं क्या करता। प्रॉब्लम यही है, करंट सीरीज टोपोलॉजी है, सर्किट सब कुछ सेम है, सॉल्यूशन भी यही है, लेकिन एक कदम आगे बढ़ के ए आई एफ पूछ रहा है, ए वी एफ पूछ रहा है, आर एम एफ पूछ रहा है। कैन यू गिव सम आइडिया कि ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? मैं आपको हिंट कर देता हूं, अल्टीमेटली अगर हमसे ए आई एफ पूछा होता तो क्या करते हम? ए आई एफ पूछा होता तो ऑफकोर्स एफ हमें क्या याद दिला रहा है, फीडबैक के बाद वाला सर्किट, तो फीडबैक के बाद हो या पहले हो रिलेशनशिप तो वही रहती है, तो ए आई एफ की जो रिलेशनशिप है वो है आईओ अपॉन आई बी इन दिस प्रॉब्लम, एग्रीड? अगर आप आईओ अपॉन आई बी की इस सिचुएशन में प्रॉब्लम निकालेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नोन वैल्यूज, हाँ आप बेसिक एम्पलीफायर से निकालने की कोशिश मत कर लीजिएगा वरना उलझ जाएंगे आप जो ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं उसके बाद देखिएगा, मैं बताता हूं आपको। एवीएफ अगर निकालने की जरूरत पड़ जाती तो हम कहते एवीएफ होता हमारा वीओ अपॉन वीएस आफ्टर फीडबैक वाला सर्किट में भी, और आरएमएफ हमारा होता वीओ अपॉन आई। क्या हम जीएमएफ के संदर्भ में और नॉन वैल्यूज के संदर्भ में इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं? लेट अस सी। मैं याद दिला दूं जीएमएफ क्या होता है। जीएमएफ की ऑफिशियल डेफिनेशन है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो वीएस को अगर मैं ऐसा लिख दूं, कैसा? वीएस इज आईबी मल्टीप्लाइड बाय आरआईएफ। सो वुड यू बी बॉदर्ड अबाउट दिस? क्योंकि वीएस के जस्ट बाद जो आरआईएफ दिखाई देगा फीडबैक के बाद इनपुट इंपेडेंस वो आरआईएफ है। सो कैन आई राइट दैट इन द ओरिजिनल सर्किट, जो ओरिजिनल सर्किट हमने बनाया था फीडबैक वाला, उसमें आई बी को आर आई एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एस बनना चाहिए ऑफिशियली। तो अगर ये सच है तो हम आई बी को यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं बाय वी एस अपॉन आर आई एफ, आर आई एफ ऊपर चला जाएगा और आई ओ बाय वी एस बाय द वे हो जाएगा इक्वल टू जी एम एफ, तो जी एम एफ इंटू आर आई एफ मेरा बन जाएगा ए आई एफ। तो अगर एग्जामिनेशन में ए आई एफ हमसे एक्स्ट्रा पूछ लिया तो जीएमएफ तो निकाल चुके हैं स्टैंडर्ड मेथड से, आरएफ भी स्टैंडर्ड मेथड से निकाल चुके हैं, तो हम थोड़ा सा जगलरी करके या थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स तरीके में घुस के एआईएफ की वैल्यू हम थोड़ा सा अलग तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी तरह एवीएफ के बारे में सोच सकते हैं क्या हम? एवीएफ को आप कह सकते हो वीओ, वीओ को कह सकते हो आईओ इंटू आरसी, दैट इज द लोड 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 रेजिस्टेंस इंटू आईओ, और वीएस को वीएस रहने दो, वीएस को वीएस रहने दो, कारण आईओ अपॉन वीएस मुझे ऑलरेडी पता है, तो ये मेरा हो जाएगा जीएमएफ इनटू आरसी, ये भी आ गया, जीएमएफ नोन है, आरसी की वैल्यू गिवन है, पता चल गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आरएमएफ क्या है भाई? आरएमएफ है वीओ अपॉन आईबी, तो वीओ को लिख दिया, वीओ को लिख दिया आईओ इंटू आरसी, और आईबी को लिख दिया जैसा अभी यहां लिखा था, आईबी को लिख दिया वीएस और आरआईएफ को ऊपर पहुंचा दिया, तो आईओ अपॉन वी एस मेरा बन जाएगा जीएमएफ, तो आ जाएगा जीएमएफ आर सी इंटू आर आई एफ बिकम्स आर एम एफ। नाउ यू कैन सी दैट एक बार आपकी प्राइमरी वैल्यू डिराइव हो गई तो बाकी सारी वैल्यू प्रेसिपिटेट करती चली जाती है, जिस तरह से कोई माला होती है, कोई हार होता है, उसमें मोती अगर एक तोड़ दे, रस्सी तोड़ दे तो गिरते चले जाते हैं एक के बाद एक, ऐसे सारी वैल्यूज एक एक करके आपके सामने निकलती चली जाती है। सो दिस वॉज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, वेरी गुड प्रॉब्लम, आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए एक एक करके सॉल्व किया। तो आई समराइज कि आप सबसे पहले ये पता लगाइए टोपोलॉजी कौन सी है, टोपोलॉजी पता लग गई
आप सिग्नल इक्विवेलेंट बनाइए, मॉडल फिट कीजिए, लेबलिंग कीजिए, और जो एल्गोरिथम हमने आपको ऑलरेडी दिया है उसके अनुसार चलते चले जाइए विथ क्लैरिटी ऑफ माइंड कि आप प्रॉब्लम कहाँ रहकर सॉल्व कर रहे हैं। आप बेसिक एम्पलीफायर सॉल्व कर रहे हैं और बेसिक एम्पलीफायर से आप इंटरपोलेट करेंगे वैल्यूज़ को। किसकी वैल्यूज़ को आप इंटरपोलेट करेंगे वैल्यूज़ को? किसकी? आप फीडबैक के बाद की वैल्यूज़ को। सो दिस इज अल्टीमेटली द मेथोडोलॉजी। सो वी स्टॉप हियर एंड आई एंटिसिपेट कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो आपके अपेंडिक्स में दे रखे हैं, पीछे दे रखे हैं, उसको आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।